नमस्कार मित्रों, साथियों। एक व्यक्ति एक गृह प्रवेश की पूजा में गया था। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी। पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले सामग्री खत्म ना हो जाए। जो घर का मुखिया था वो भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी खत्म ना हो जाए। अब मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बच गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहां बैठना मुश्किल हो गया। एक एक करके सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। सब कुछ स्वाह होने के इंतजार में। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है। लेकिन सभी ने उसे बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी या खत्म ना हो जाए। तो मित्रों, ऐसा ही तो हम करते हैं। यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं जो अंत में जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस के रूप में यही पड़ा रहता है। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले ही है। उसे बचाकर क्या करना है? बाद में तो वो सिर्फ धुआं ही होना है। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा तो वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो, ना सामग्री खत्म हो ना बची रहे। इसी से तो कहते हैं मैनेजमेंट करना। मित्रों, कहानी छोटी ही सही लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।